नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल रेलवे की लेक्चर सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं ईपी ब्रेकिंग के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे में कई प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें आज की डेट में लेटेस्ट जो ब्रेकिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग, जैसे कि हम कॉमनली कहते हैं ईपी ब्रेकिंग। दोस्तों, ये ईपी ब्रेकिंग क्या है, कैसे काम करती है, आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट है और कोशिश करेंगे इसके अंदर हम ईपी ब्रेकिंग को काफ़ी हद तक कवर कर पाएँ। इसके और बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अगले भाग में भी। सबसे पहला जो सवाल हमें आता है कि हमें ईपी ब्रेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कुछ सवाल है जो हमारे मन में आते हैं ईपी ब्रेकिंग के दौरान। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि ईपी ब्रेकिंग के अंदर इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक ब्रेकिंग दोनों होती है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक एंड प्लस न्यूमेटिक ब्रेकिंग का दोनों का समावेश है। तो इसका ज़रूरत क्या है, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का जो सिस्टम होता है वो काफ़ी उसमें स्पीड और काफ़ी क्विक होता है, तो इसके अंदर हमें एक जो फैक्टर हमें जो मिलता है वो मिलता है रिस्पॉन्स टाइम का, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग रहता है, जिसके अंदर हमने देखा है कि अगर हम पहले कोच से ब्रेकिंग लगा के एंड के कोच जाएगी, जैसे 22 या 23 कोचों या 24 कोच की गाड़ी के अंदर जब हम ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेक प्रोपगेशन में एक प्रोपगेशन टाइम हमें मिलता है जो कि कई बार 8 से 10 सेकंड तक भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो टाइम है ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कई कोचों में आगे के ब्रेक लग जाता है और पीछे के कोचों में कई बार ब्रेक पूरी तरह से लग नहीं पाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईपी ब्रेकिंग बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ईपी ब्रेकिंग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कारण पूरी गाड़ी में तुरंत कुछ ही सेकंड में ब्रेक लग जाता है, जो कि लगभग 3 से 5 सेकंड होता है, तो उसमें रिस्पांस टाइम काफ़ी आपका बढ़ जाता है। दोस्तों, इसलिए हमने ईपी ब्रेकिंग का सहारा लिया और ईपी ब्रेकिंग काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ है इस चीज़ों में। इसके बाद हमें जानने की कोशिश करेंगे ईपी ब्रेकिंग के कंपोनेंट क्या हैं। ईपी ब्रेकिंग में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हम आज के लेक्चर सीरीज़ में कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे और साथ साथ हम ये जानेंगे कि इसके कंपोनेंट्स का प्रिंसिपल क्या है, किस कंपोनेंट का क्या काम है, किस रोल में वो प्ले करता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम जानने की कोशिश करेंगे साथ साथ, वो है BNR का, ब्रेक नॉट रिलीज़। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझने की कोशिश करेंगे अपने डिस्कशंस में, कि BNR का आखिर इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या होता है BNR, ब्रेक नॉट रिलीज़ के क्राइटेरिया कब होते हैं, कब गाड़ी में आपका ब्रेक लगता है जो कि रिलीज़ नहीं होता, जिसे आमतौर पर हम भाषा में ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि ईपी ब्रेकिंग में क्या है। ये एक इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेकिंग है, जैसे मैंने बोला इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक ब्रेक्स का दोनों का सहारा आपको मिलता है। साथ साथ इसमें अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होता है तो आप प्योर न्यूमेटिक ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, जो कि बाकी ट्रेनों में नॉर्मली यूज़ होता है। ब्रेकिंग इसमें बहुत इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो भी आपका एप्लीकेशन और रिलीज टाइम है वो आपका काफ़ी कम आता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, और क्योंकि ये कॉम्पैक्ट सिस्टम है, सारे वाल एक ही ब्रैकेट पर माउंटेड होते हैं, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, मेंटेनेंस फ्री भी रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या वाल्व होते हैं। मैं इन वाल्वों पे बाद में आऊँगा। दोस्तों, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम जनरली किसी चीज़ को ब्रेक लगाने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो हम बहुत बेसिक से अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो ये समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें ब्रेकिंग करना है। हमें ब्रेक करना है एक व्हील को। अब हम अगर आप इसमें थोड़ा अपना ध्यान फरमाइएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि बेसिकली हम ब्रेक करना क्या चाह रहे हैं। हम सबसे पहले समझने की कोशिश, हम क्या ब्रेक करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हील को ब्रेक करना। एक व्हील को ब्रेक करने के लिए मैं उसके ऊपर एक ब्रेक शू लगा देता हूँ। सबसे लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक व्हील को ब्रेक करने के लिए मुझे उसके ऊपर एक ब्रेकिंग फोर्स लगानी है, रजिस्टिव फोर्स लगानी है, जो टॉर्क उस पर जनरेट करेगा मूवमेंट में। तो मैंने उसके ऊपर ब्रेक शू लगा दिया। जैसे कि हम जानते हैं हमारी गाड़ियों में ब्रेक शू होते हैं, हर गाड़ी में ब्रेक शू होता है। तो इस ब्रेक शू को एक्चुएट कराने के लिए, जैसे बाकी गाड़ी में होता है, एक ब्रेक सिलेंडर हमने माउंट कर दिया है। तो ब्रेक सिलेंडर हमने वहाँ पर रख दिया है कि एक ब्रेक सिलेंडर होगा, उस ब्रेक सिलेंडर से ब्रेक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होगा, पिस्टन एक्चुएट करेगा तो ये आपका ब्रेक शू लग जाएगा। अच्छा, जैसे कि एक ब्रेक सिलेंडर है, तो हमने बोला है कि ये ब्रेक सिलेंडर के अंदर पिस्टन एक्चुएट करेगा, तो एक्चुएशन का जो मूवमेंट है वो हमने बोल दिया कि एयर से ही होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेटिक हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने बोल दिया कि एयर प्रेशर जब हमें मिलेगा तो हमारा पिस्टन एक्चुएट करेगा। तो कुल मिला के हमारा जो इम्पॉर्टेंट टास्क है वो ये टास्क है कि हमें ब्रेक सिलेंडर जो है उसके अंदर हमें एक हाई प्रेशर हवा भेजनी है। अगर हम न्यूमेटिक प्रेशर की हवा उसमें भेज देंगे तो गाड़ी का प्रेशर जो प्रेशर है वो उस गाड़ी के पिस्टन को मूवमेंट दे देगा, और पिस्टन के मूवमेंट के कारण उसके अंदर जो आपका ब्रेक ब्लॉक है वो व्हील को लगेगा और उसमें ब्रेकिंग लग जाएंगे।
तो कुल मिला के एक हमें एक सिस्टम समझ में आ गया कि अगर हमें एक ब्रेक सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर की हवा देते तो हमारी गाड़ी में ब्रेक लग सकता है। तो उसके लिए सबसे लेमैन तरीका ये है कि मैं एक डायरेक्टली किसी एक हाई प्रेशर लाइन में एक हाई प्रेशर लाइन में दोस्तों मान लेता हूँ एक हाई प्रेशर लाइन है मेरे पास, हाई प्रेशर लाइन, और मैं इस हाई प्रेशर लाइन का प्रेशर सीधा इसके अंदर दे देता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दोस्तों क्या होता है, देखिए अगर मैंने एक हाई प्रेशर लाइन का इसमें प्रेशर दे दिया तो होगा क्या कि एक तो ये प्रेशर काफ़ी हाई है जितना हमें ब्रेक सिलेंडर में चाहिए नहीं, क्योंकि आप इतना प्रेशर बनाने के लिए आप एक कंप्रेसर लगाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मैं डायरेक्टली कंप्रेसर की हवा भी इसी में दे सकता हूँ। दोस्तों अगर आप कंप्रेसर की डायरेक्ट हवा दे देंगे तो अब देखिए होगा क्या, जब मेरे को ब्रेक लगाना है तो मुझे प्रेशर वाली हवा चाहिए, रिक्वायर्ड है ये, यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और जब मुझे ब्रेक नहीं लगाना है, रिलीज़ करना है, तो मुझे ये हवा नहीं चाहिए, मुझे हवा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँ, क्या मैं ये कहूँ कि मैं कंप्रेसर को एक बार ऑन करता हूँ, क्या मैं ये कहूँ कि मैं कंप्रेसर को एक बार ऑन करूँ फिर उसको ऑफ़ करूँ? अगर ये मैं ऑन ऑफ़ करता रहूँगा दोस्तों, देखिए अगर मैं ये ऑन ऑफ़ करता रहूँगा, ये अगर पल्स भी देखे कि जब मेरे को कंप्रेसर ऑन करना तो मैंने पॉजिटिव पल्स दे दी, बंद करना तो मैंने उसको पल्स बंद कर दी, पर मैं अगर ऐसा करता रहूँगा तो भी आपके कंप्रेसर का इनर्शिया और रिस्पॉन्स इतना होगा कि वो प्रेशर हमेशा उसको देता रहेगा, तो आप किसी भी केस में ब्रेक रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको हमेशा कंटिन्यूस प्रेशर मिलता रहेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए दोस्तों, तो ऐसी अवस्था में हमने बोला कि एक हमारे खुद के कंट्रोल का, ड्राइवर के कंट्रोल का कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इसकी हवा को इसके अंदर जाने दे और जब ना मन करे तब नहीं जाने दे। तो जब आपको ब्रेक लगाना है तो वो हवा अंदर जाए, जब ब्रेक नहीं लगाना है तो वो हवा बाहर आ जाए। तो ऐसे सिस्टम के लिए हमने बोला कि हम एक वाल लगा देते हैं, हम एक वाल लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे बोला कि हमें एक व्हील पे ब्रेक लगाना था, हमने बोला कि इसके ऊपर एक पिस्टन असेंबली के कारण एक ब्रेक सिलेंडर है यहाँ पे जिसको हम बीसी कह देते हैं, इस बीसी के अंदर जो एयर देनी थी वो मैंने बोला एक हाई प्रेशर लाइन दे देते हैं। दोस्तों एक हाई प्रेशर लाइन से हवा लेने के लिए मैंने इसके अंदर एक लाइन लगा दी है, ये हाई प्रेशर लाइन है, हाई प्रेशर लाइन जो कि मेन रिजर्वायर कह सकते हैं, इसको MR कह देते हैं दोस्तों, इसे ही हम बोलते हैं मेन रिजर्वायर जो कि सीधा कंप्रेसर के थ्रू हमारे पास आ रही है। और जैसे हमने बोला कि हमें हमारे एक्चुएशन के हिसाब से इसमें रिस्पॉन्स चाहिए तो हमने इसके ऊपर एक हमारा वॉल लगा दिया, हमने एक वॉल लगा दिया, इसी वॉल को हमने बोल दिया AMV यानी कि एप्लीकेशन मैग्नेटिक वॉल्व। अब दोस्तों इसको हमने एप्लीकेशन मैग्नेटिक वॉल्व में मैग्नेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें ये हमारे रिस्पॉन्स के हिसाब से ओपन और क्लोज करना है। तो कुल मिला के हमें एक ऐसा वॉल्व चाहिए था जो कि एक ड्राइवर के इशारों पर काम करे, तो उसको हमने एक मैग्नेटिक सोलेनॉइड वॉल्व लगा दिया। अब ये वॉल्व क्या करेगा, ये वॉल्व जब आप इसको सिग्नल देंगे तो ये वॉल्व ओपन होगा, ब्रेक पाइप की हवा, ब्रेक जो मेन रिजर्वायर की हवा है जो आपके कंप्रेसर से डेवलप्ड है वो सीधी यहाँ से आके आपके ब्रेक सिलेंडर में चली जाएगी, और जब आपको इसको ब्रेक को आपको रिलीज़ करना है, आपको जब ब्रेक नहीं लगाना है तो आप इसको बंद कर देंगे तो आपकी कोई प्रेशराइज एयर ब्रेक सिलेंडर में नहीं जाएगी। तो दोस्तों हमने कुल मिला के एक सिंपल सोलेनॉइड वॉल्व लगाया जिसको हमने बोल दिया AMV, और ये भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है क्योंकि जिसके रिस्पॉन्स टाइम सबसे मिनिमम होगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें एक MR लाइन है जो कि मेन कंप्रेसर लाइन से हमें प्रेशर देना था और उसमें हमने एक AMV लगा दिया। अब दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि मेन कंप्रेसर की जो लाइन है वो कम से कम 6 से 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर चार्ज होगी। अब इतना प्रेशर तो मेरे ब्रेक सिलेंडर में मेरे को नहीं देना है, ब्रेक सिलेंडर जनरली जो हमारे मेन लाइन कोचेज होता है वो 3.8 तक जाता है, पर क्योंकि EMUs के अंदर इतना प्रेशर हमें चाहिए नहीं होता तो वो 1.6 या 1.2 या 0.8 तक भी जाता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमें ब्रेक सिलेंडर में जो हवा भेजनी है वो कुछ 1.2 या 1.6 के बियॉन्ड नहीं भेजनी है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं दोस्तों, पर हम ये भी जानते हैं कि मेन लाइन के अंदर ये करीब 3.8 तक जाती है, तो हमने बोला कि हमारा जो अपर थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 3.8 तक। तो दोस्तों इस हवा को मुझे सबसे पहले तो इस हवा को मुझे 3.8 पे लाना होगा। तो इस हवा को लाने के लिए सबसे पहला क्या कर सकता हूँ मैं काम, क्योंकि AMV से पहले या AMV के बाद, अब ये है कि ये जो हवा इसमें जाए वो उसको सेफ गार्ड कर दे। मतलब कि आप मान लीजिए अब मैं एक प्रेशर रिड्यूसर लगाना चाहता हूँ, अब मेरा काम क्या है, मेरा जो अब रोल है वो ये है कि 6.8 की जो हवा है, 6.8 kg की, 6 to 8 kg की जो हवा है वो मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ सबसे पहले 3.8 तक, क्योंकि वो मेन लाइन में हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसके लिए मेरे को एक क्या करना पड़ेगा, PRV लगाना पड़ेगा, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, इसे हम बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। दोस्तों अगर मुझे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगाना है तो अब मैं कहाँ लगाऊँ,
अगर मैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल मान लीजिए इस पॉइंट पे लगाता हूँ और मेरे पास दो पॉइंट है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल लगाने के, यानी मैं एएमवी के पहले लगाता हूँ, अगर मैं एएमवी के पहले प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल लगाता हूँ दोस्तों, तो आप चाहे एएमवी ऑपरेट करें ना करें, वो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में रहेगा, यानी हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। कुल मिला के इसका जो पूरा कंपोनेंट असेंबली है वो हमेशा स्ट्रेस रहेंगे, क्योंकि आप चाहे ब्रेक लगाएं ना लगाएं, उसको हमेशा ये मेन रिजर्वर की हवा मिलती रहेगी। दोस्तों अगर मैं इसको दूसरे नंबर पर लगाता हूँ, तो एएमवी जब एक्चुएट होगा तभी हवा उसके अंदर जाएगी, जब एएमवी बंद रहेगा तो हवा उसके अंदर कभी नहीं जाएगी। उसके अंदर कुछ पोर्शन ऑफ टाइम उसकी लाइफ में सेफ गार्ड कर सकते हैं, हम स्ट्रेस नहीं दे सकते, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो काफ़ी सेफ और साउंड रहेगा। तो इसलिए दोस्तों एज अ इंजीनियर हम ये समझ चुके हैं कि हमें जो हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व है वो इधर लगाना होगा। तो दोस्तों हमने दूसरा जो वॉल लगाया वो लगाया यहाँ पर PRV, क्योंकि हमें उसका प्रेशर रिड्यूस करना था। अब क्योंकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व भी स्ट्रेस रहेगा, किसी कारण से ये फेल हो जाए तो ऐसी अवस्था में हमारा सिस्टम काफ़ी डेंजरस कंडीशन में आ सकता है, तो हम ये चाहते हैं कि ये सेफ गार्ड रहे। तो इसके लिए दोस्तों हम इसके ऊपर एक एडिशनल सेफ्टी लगाने के लिए एक यहाँ पर सेफ्टी वॉल्व हम लगा देंगे, एक सेफ्टी वॉल्व। ये क्या होगा दोस्तों, ये 4 kg पर सेट रहता है, जैसे ये प्रेशर जब तक PRV काम कर रहा है तो सेफ्टी वॉल्व कभी भी ब्लो नहीं होगा, पर जैसे ही आपका PRV फेल होता है और सेफ्टी वॉल्व आपका तुरंत ही 4 kg पर जैसे ही प्रेशर होगा वो ब्लो होकर सारी एयर को यहाँ से वेंट कर सकता है। तो हमने दोस्तों देखा कि हमें सेफ्टी वॉल्व हमने किसकी सेफ्टी के लिए लगाया है, PRV के लिए। तो गाड़ी में कभी अगर आपको कुछ आवाज़ आती है जिसमें ब्लो होने की आवाज़ आ रही है सेफ्टी वॉल्व की, तो अभी समझ सकते हो उसका PRV फॉल्टी है। तो कुल मिला के दोस्तों सेफ्टी वॉल्व वैसे एक्चुएट नहीं करेगा, वो PRV को सेफ गार्ड करने के लिए लगाया है हमने। तो हमने अभी देखा कि एप्लीकेशन में हमने ये अभी 3 वॉल्व लगा चुके हैं, लेकिन अब एयर की जो प्रेशर है वो क्या है दोस्तों, हमने ये देखा था यहाँ पर प्रेशर था 6 to 8, अब वो प्रेशर यहाँ पर करीबन 3.8 तक आ गया है। अब फिर भी हमें देखा कि EME और MEMU में हमें जो प्रेशर वो चाहिए 1.6-1.2 चाहिए। तो इस केस के लिए हमने क्या किया, एक एडिशनल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व, एक एडिशनल प्रेशर लिमिटिंग वॉल लगा दिया। दोस्तों ये क्या करेगा, इसको 1.6 या 1.2 तक लिमिट कर देगा। तो दोस्तों हम समझ चुके हैं कि हमारा प्रेशर लगने कैसे वाला है, पूरी साइकिल आपको लूप में समझ में आ चुकी होगी। मेन लाइन प्रेशर से हवा हम डायरेक्टली देना चाहते हैं ब्रेक सिलेंडर में, हमने क्या किया उस हवा को सबसे पहले EME पे लिया, क्योंकि हमारे एक खुद का कंट्रोल होगा, जब ये कंट्रोल मेरे पास रहेगा तो मेरी मर्ज़ी होगी तब मैं EME एक्टिवेट करूँगा, जब मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं EME बंद कर दूँगा। उसके बाद मैं उसका प्रेशर कम करना चाहता था, तो मैंने उसको 3.8 को लिमिट करना चाहता था, इसलिए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा दिया। इस वॉल्व के बाद सीधी हवा जाएगी सेफ्टी वॉल्व के थ्रू, सेफ्टी वॉल्व उसका एक एडिशनल सेफ्टी प्रदान कर रहा है PRV को। जब हवा यहाँ से रिलीज़ होगी उसके बाद हमने क्योंकि बोला कि हमारे डिज़ाइन प्रेशर जो BC का है कई गाड़ियों में 1.6 और 1.2 होता है, तो उसके लिए हमने एक एडिशनल प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व यहाँ पर लगा दिया है। तो दोस्तों कुल मिला के हवा 6 to 8 bar की एडिशनल एप्लीकेशन मैग्नेटिक वॉल्व से होते हुए PRV में 3.8 की हो जाएगी, वहाँ से वो अपने एडिशनल सेफ्टी वॉल्व से जिसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा जब तक PRV ख़राब नहीं हो रहा, वहाँ से निकलती हुई हवा 1.6 और 1.2 पर एडिशनल PLV के थ्रू मैनेज होती हुई सीधा ब्रेक सिलेंडर में जाएगी और आपका ब्रेक लग जाएंगे। तो कुल मिला के हमने ये बात समझी दोस्तों कि जब मैं ब्रेक नहीं लगा रहा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली जब ब्रेक नहीं लगे हुए हैं गाड़ी में, तो हमारा AMV जिसे हम एप्लीकेशन मैग्नेटिक वॉल्व बोल रहे हैं वो हमेशा बंद है, वो है नॉर्मली क्लोज, यानी NC है, यानी वो बंद होगा। जब मैं ब्रेक लगाना चाहता हूँ तब उसको मैं ओपन करूँगा, जब ब्रेक नहीं लगाना चाहता वो नॉर्मली क्लोज रहेगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप समझने के लिए कि नॉर्मली क्लोज वॉल्व है ये। दोस्तों तो हम अब समझने की कोशिश करेंगे, देखिए हमने वही चीज़ को हम एक प्रेजेंटेशन में आप दिखा सकते हैं कि हमने जो मेन लाइन थी, मेन लाइन जो 6 to 8 kg पे था, उसको हमने AMV से जो कि नॉर्मली क्लोज वॉल्व है, इसके थ्रू प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व जहाँ पर उसको हमने 3.8 तक कोशिश किया उसको रिड्यूस करने के लिए, जो सेफ्टी वॉल्व था वो 4 kg पे सेट था, यहाँ से हवा होती हुई चेक वॉल्व कुल मिला के हमने एक डाला है NRV के लिए कि बैक प्रेशर इसमें जाए नहीं, तो ये कुल मिला के कुछ नहीं होके एक NRV है। इसके बाद एक एडिशनल प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व जिसे हम PLV बोलते हैं, प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व भी बोलते हैं, ये हम यहाँ पर उसको प्रेशर 1.2 या 1.6 पे सेट कर देता है और ये सीधा आपका ब्रेक सिलेंडर में जाती हुई हवा आपको ब्रेक लगा देती है। तो कुल मिला के बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी सिस्टम में ब्रेक लगाने का। AMV इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जिसके ऊपर हम 110 DC प्रोवाइड करते हैं, कुल मिला के इस पर 110 DC प्रोवाइड करते हैं, और AMV इज़ अ सोलेनोइड वॉल्व जो कि नॉर्मली क्लोज है। तो दोस्तों हम समझ चुके हैं कि गाड़ी में ब्रेक लगेगा कैसे, आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी में ब्रेक रिलीज़ कैसे होगा। तो हम
पूरी गाड़ी में ब्रेक लगा चुके हैं, ये हम जान चुके हैं कि गाड़ी में ब्रेक लग चुका है। अब अगर मेरे को गाड़ी में, जैसे हमने यहाँ देखा कि गाड़ी में हमने ब्रेक लगाने के लिए मेन लाइन से हवा हमने डाल दी थी, तो कुल मिला के अब हम बात करेंगे रिलीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे रिलीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। रिलीज़ के लिए सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि हम रिलीज़ की कंडीशन में क्या चाहते हैं। हम सबसे पहले चाहते हैं कि ब्रेक सिलेंडर में प्रेशराइज एयर जो है वो नहीं आनी चाहिए, यानी कि ये कब नहीं आएगी, जब मेरा AMV आपका क्लोज हो जाए, यानी आप AMV की हवा इसमें नहीं देना चाहते, AMV बंद हो जाना चाहिए, तो यानी AMV आपका क्लोज हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपका ब्रेक सिलेंडर चार्ज हो गया है। अब मैं वही चीज़ देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपका जो व्हील था, व्हील के पास आपका BC है। अब BC के अंदर एक हवा है, ठीक है, यहाँ पर आपके प्रेशराइज एयर है। आपकी ये मेन लाइन की हवा थी, जहाँ से आपने कुछ वॉल्स के थ्रू इससे जो हवा थी वो हमने देखी थी कि वो हवा हम कोशिश करके लाए थे यहाँ पर, हमने पूरा सिस्टम समझ लिया था। अब मैंने ये बोला कि मैंने यहाँ से AMV की हवा है जो कट कर दिया, यहाँ पर जो मेरा AMV था वो हवा कट कर दिया, तो मतलब प्रेशराइज एयर अब आपकी इस लाइन में नहीं आ रही है, पर इस लाइन में कुछ लाइन फिल हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब इस लाइन के बियॉन्ड अब आपकी कोई हवा नहीं है, यहाँ पर तक प्रेशर है पर इसके बियॉन्ड कोई प्रेशर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों अभी हमारे पर ब्रेक सिलेंडर के अंदर हवा है, अब मुझे इस हवा को कहीं ना कहीं तो आपको वेंट करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस हवा को वेंट करने के लिए एक ऐसा वेंटिंग पोर्ट बना दीजिए जिस पर एक और सोलेनोइड वॉल लगा दीजिए, एक और सोलेनोइड वॉल लगा दीजिए और उसको एग्जॉस्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने बोल दिया होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व, इस नए सोलेनोइड वॉल को मैंने बोल दिया होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व एक ऐसा वॉल्व है जो कि अब यहाँ का जितनी प्रेशर है उस सबको अपने थ्रू वेंट कर देगा एग्जॉस्ट में। तो आपने बहुत सिंपल सा तरीका किया, आपने यहाँ की जो हवा थी आपने यहाँ से इसको वेंट करने के लिए बना दिया। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि ब्रेक सिलेंडर में कभी भी एक इनपुट और एक आउटपुट ऐसा होता नहीं है, आप हमेशा कॉमन पाइप से इनपुट ले लेते हैं उसी ऐसा आउटपुट ले लेते हैं। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहेंगे कि अलग से मैं यहाँ पर एक आउटपुट का ये जो पाइप है वो नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा इसको इसी लाइन पे माउंट कर दूंगा, तो जो मेरी मेन लाइन आ रही थी AMV के थ्रू यहाँ से, उसी लाइन पर मैंने एक अपना नया वॉल्व की लाइन माउंट कर दी है और ये जो लाइन है मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों जब मैं यहीं पर इसको कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैंने ये जो लाइन है ये कनेक्ट करके HMV को दे दी, तो HMV इज ऑल्सो अ सोलोनॉइड वॉल्व, ये भी एक सोलोनॉइड वॉल्व है। तो दोस्तों अब देखिए क्या हो रहा है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन क्या है, जब ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ब्रेक नॉट अप्लाइड, तो हम ये चाहेंगे कि ब्रेक सिलेंडर में कोई हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक सिलेंडर में हवा है तो वो ब्रेक लगा देगा। तो जब ब्रेक सिलेंडर में कोई हवा नहीं होनी चाहिए तो क्या कहना चाहेंगे हम कि हवा हमेशा वेंट रहे, तो उस कंडीशन में HMV हमेशा आपका खुला रहना चाहिए दोस्तों, ये हमेशा ओपन होना चाहिए, इसलिए ये एक NO वॉल्व है, यानी नॉर्मली ओपन वॉल्व है दोस्तों, ये एक नॉर्मली ओपन वॉल्व है, यानी ये वॉल्व हमेशा खुला रहता है और जो आपकी प्रेशर नॉर्मली जब आप ब्रेक नहीं लगा रहे तो ये यहाँ पर से हवा निकल जाती है और ये आपका प्रेशर सिलेंडर, जो ब्रेक सिलेंडर खाली रहेगा। दोस्तों जब हम ब्रेक लगाना चाहेंगे, जिस पॉइंट पर हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने की कंडीशन में क्या होगा, ये वॉल्व अपने आप को बंद कर लेगा, जब ये वॉल्व बंद हो जाएगा तो यहाँ से जो आपका एग्जॉस्ट है वो बंद हो जाएगा और आपका जो यहाँ से हाई प्रेशर लाइन है की हवा है वो अंदर आ जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों हम एक चीज़ बहुत बेसिक समझ चुके हैं, अब मैं यहाँ पर इसको आपको पिक्चराइज करना चाहता हूँ, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, ये आप समझ लें। मैं AMV, ये मेरा HMV होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व एप्लीकेशन मैग्नेटिक वॉल्व, दोस्तों इसकी कंडीशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप अगर आप नोट डाउन कर लें तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, इससे एक बहुत अच्छा मेंटेनेंस प्रैक्टिस मुझे आपको क्लियर करनी थी। देखिए रिलीज़ के टाइम में जब गाड़ी रिलीज्ड है, जो मैंने देखिए AMV क्या है, नॉर्मली क्लोज वॉल्व है, HMV नॉर्मली ओपन वॉल्व है, रिलीज़ कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर में हवा नहीं है, ब्रेक सिलेंडर में BC प्रेशर इज़ ज़ीरो, तो AMV से आपकी हवा जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, तो AMV आपका क्लोज है, HMV से हवा जानी चाहिए नहीं जानी, या HMV से हवा जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, HMV की सारी के थ्रू सारी हवा एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए, तो नॉर्मली ओपन है, क्लियर दोस्तों। अब देखिए ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली हमने उसको सप्लाई नहीं दी है, ना ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकली सप्लाई नहीं दी है, एक नॉर्मल स्टेट है दोस्तों। अब हम जब एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन के दौरान दोस्तों क्या होगा, एप्लीकेशन में मेरा AMV
यहाँ पर ओपन हो जाना चाहिए दोस्तों, एप्लीकेशन में मेरा एएमवी ओपन हो जाना चाहिए और मैंने उसको इलेक्ट्रिकली सप्लाई दे दी है, और मेरा एचएमवी आपका जो है एचएमवी आपका क्लोज हो जाना चाहिए दोस्तों, और मैं यहाँ फिर से इसको सप्लाई दे देता हूँ। जब मैं एप्लीकेशन करता हूँ तो यहाँ ओपन हो जाना चाहिए, यहाँ क्लोज होना चाहिए, मैंने यहाँ पर उसको सप्लाई दे दी है, ठीक है। जब ये जो रिलीज़ है ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मली, मतलब जब गाड़ी आपकी नॉर्मली रिलीज़ कंडीशन में थी, एप्लीकेशन के बाद मैं अब ड्यूरिंग रिलीज़ क्या हो रहा है, मतलब जब गाड़ी रिलीज़ होना स्टार्ट किया आपने, ड्राइवर ने ब्रेक हैंडल से उसको रिलीज़ करना चालू किया, रिलीज़ करने में फिर से ये क्लोज़ हो जाएगा और फिर से ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सिग्नल नहीं रहेगा। अब एक और कंडीशन दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जिसे हम बोलते हैं लैप। लैप क्या होता है, कई बार ड्राइवर गाड़ी को लैप कंडीशन में रखते हैं। लैप कंडीशन में क्या होता है, वो गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाना चाहते पर गाड़ी का ब्रेक रिलीज़ भी नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि ब्रेक सिलेंडर में जो हवा है, ब्रेक सिलेंडर में कुछ प्रेशर है वो वहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाए, उस प्रेशर को हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं जिससे कि वो अप्लाइड कंडीशन में ही रिटेन रहे, इसको हम रिटेन कहने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे कि आप एक घाट पर चल रहे हैं दोस्तों, आपका व्हीकल घाट पर है और आपने यहाँ पर उसमें ब्रेक प्रेशर लगा दिया है, अब आप ये नहीं चाह रहे कि एक बार आपने ब्रेक लगा दिया तो उसमें ब्रेक सिलेंडर चार्ज हो गया, ब्रेक सिलेंडर को आप और चार्ज करने के तो कोई फ़ायदा नहीं है, जितना मैक्सिमम पे चार्ज हो गया वो चार्ज हो गया, पर आप ये चाहते हैं कि वो रिलीज़ नहीं हो, तो रिलीज़ नहीं होने पर मैं लैप कर देता हूँ। लैप करने में क्या होता है कि मैं ब्रेक सिलेंडर में हवा तो नहीं भेज रहा पर ब्रेक सिलेंडर की हवा को बाहर जाने भी नहीं दे रहा, तो दोस्तों लैप में क्या होगा, हम हवा भेज नहीं रहे तो नॉर्मली जो आपका वाल्व था वो क्लोज़ है, एएमवी आपका क्लोज़ है, लेकिन हम उसकी हवा को एग्जॉस्ट नहीं होने दे रहे। अगर एग्जॉस्ट नहीं होने दे तो दोस्तों उसका मतलब ये होता है ब्रेक सिलेंडर की हवा बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब आपका एचएमवी एक्टिवेटेड है, वो भी क्लोज़ है और उसको हमने सप्लाई दी हुई है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए कि देखिए पूरे सिस्टम में एएमवी में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई कब दे रहे हैं, सिर्फ एक बार, एचएमवी में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई कब दे रहे हैं यहाँ पर देखिए दो बार, ड्यूरिंग लैब कंडीशन भी हम सप्लाई दे रहे हैं और ड्यूरिंग एप्लीकेशन भी सप्लाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के किसी भी ऑपरेशन में या ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ये हो सकता है कि एच एम वी इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस ए एम वी ऑपरेट होगा, एच एम वी इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑपरेटेड होगा, ज़रूरी नहीं हो सकता आप लैब नहीं लगाए, पर जनरली ड्राइवर लैब यूज़ करते हैं और लैब बहुत खतरनाक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी देर में, पर ये ऑलमोस्ट का ट्वाइस होगा या हो सकता है इससे ज़्यादा ही ऑपरेट हो। तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किस में ज़्यादा होगी दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा वियर टीयर करेगा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा तो वो होगा एच एम वी। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आप जब भी मेंटेनेंस करेंगे तो मेंटेनेंस में हमेशा आपको खास ध्यान देना है एच एम वी पे। अगर आप ए एम वी को एक महीने में चेक कर रहे हैं तो आप एच एम वी को कम से कम 15 नहीं तो 10 दिन में आप एक बार चेक करें। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि एच एम वी अपने ऑपरेशन के परव्यू के कारण ही ज़्यादा मेंटेनेंस डिमांड करेगा, क्योंकि आप उसका क्लोजिंग देखिए दो बार करेंगे जब आप लैब भी लेंगे। दोस्तों लैब क्यों खतरनाक है, किसी भी वॉल को सोलेनोइड वॉल को एक्टिवेट करने के लिए आप उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब उसमें से पास होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, तो वो एक जो पिस्टन होता है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो आप जब भी लैब देंगे तो लैब में आप उसको सिग्नल दे के रखेंगे, वो मैग्नेट बना रहेगा, तो जो कॉइल है वो हमेशा एनर्जाइज रहेगी, जब कॉइल एनर्जाइज रहेगी तो वो ज़्यादा गर्म होने की क्षमता रखती है, वो एनर्जाइज रहेगी और उसमें वियर टीयर और कॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए हम ज़्यादा देर तक लैप रखें, अगर आप ज़्यादा देर तक लैप रखेंगे तो आपका एचएमवी हो सकता है यहाँ पर इसको चिपका के रखेगा और ये यहाँ पर हो सकता है पार्शली स्टक हो जाए। तो चांसेस हैं कि आपका लैप पोजीशन में जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका एचएमवी माल फंक्शन कर सकता है। अब इससे क्या इफेक्ट आएगा क्या नहीं आएगा दोस्तों हम आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेंटेनेंस प्रैक्टिस से दोस्तों हम ये बहुत चीज़ समझ चुके हैं कि एएमवी HMV की तुलना में कम यूज़ होता है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस कम है, लेकिन HMV की मेंटेनेंस आपकी ज़्यादा है। तो अब हम दोस्तों इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जनरली ये वाल्व दिखते कैसे हैं। देखिए मैं आपको यहीं वही दिखाना चाह रहा हूँ, HMV जो होता है जनरली दोस्तों रेड कलर में होगा, HMV जो होता है वो रेड कलर में दोस्तों दिखता है, AMV आपका हमेशा ग्रीन कलर में हमने रखा होता है कईयों में, ये एस्कॉर्ट सिस्टम है दोस्तों, एस्कॉर्ट के बॉक्स में आपको ऐसा दिखेगा। नॉर ने अपना सिस्टम थोड़ा मॉडिफाई कर लिया और उसने सोलेनोइड वॉल्स को बहुत छोटा कर दिया, ये नॉर का सिस्टम है दोस्तों, और ये है आपका एस्कॉर्ट। इसमें देखिए जो पिस्टन की मैं बात कर रहा था वो ये पिस्टन होती है दोस्तों,
ये पिस्टन के अंदर आप देखेंगे ओ रिंग लगी हुई है दोस्तों, सिर्फ ओ रिंग्स होती हैं और ये प्रेशर लॉक करती है। ये जो नीचे ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये पूरा कॉइल है। ये देखिए, ये कॉपर कॉइल्स होती हैं, ये एक मैग्नेटिक वॉल्व है। जब आप इसमें करंट देते हैं तो ये कॉपर जो कॉइल होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके अंदर फील्ड जनरेट होती है और ये मैग्नेट बनता है और ये अपने कॉइल के अंदर इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता है और ये जो मूवमेंट है, ये पोर्ट्स का खोलना और बंद करना यहाँ पर ये सुनिश्चित करता है। उससे आपके पोर्ट्स खुलते हैं या बंद होते हैं। ये देखिए पूरा बड़ा पैनल है, ये एक नॉर का पैनल है दोस्तों। अब ये वॉल जो है इसमें ट्रिपल वॉल कहलाता है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। दिस इज नोन एज टीवी, दिस इज नोन एज ट्रिपल वॉल्व, ट्रिपल वॉल्व। तो अभी दोस्तों हम ये समझने की कोशिश कर चुके हैं और बेसिकली हम समझ चुके हैं ये एक एप्लीकेशन मैग्नेटिक वॉल्व है, होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व है। ये दो का क्या काम होता है, दोनों इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड वॉल्व है। ये एक चेक सेफ्टी वॉल्व यहाँ पर हम लगा देते हैं, चेक वॉल्व भी यहाँ लगा रहता है। अभी हम आगे की समझेंगे इनके अंदर कि ट्रिपल वॉल्व क्या होता है दोस्तों। तो कुल मिला के ये आपको अभी मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, स्कॉट के अंदर सिस्टम देखिए यही है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक कॉइल होती है, ये कॉइल बनती है, तो ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण, मैग्नेट के कारण उसका मूवमेंट आगे पीछे होता है। देखिए कई बार ये मूवमेंट जब होता है तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर फंसता है दोस्तों। ये जो आपका पोर्शन है, इसके अंदर ये जो बॉडी है वो यहाँ आके फंसती है, रेस्ट होती है। तो जब सीट में रेस्ट होती है, वो बार बार ऊपर नीचे करने से ये वियर हो जाती है दोस्तों। जब ये वियर हो जाती है तो कई बार ये स्टकअप हो जाती है दोस्तों। अगर ये स्टकअप हो जाती है तो ये वाल्व माल फंक्शन कर सकता है। ये देखिए, ये पिस्टन है आपकी जो नीचे मूवमेंट करेगी, तो ये माल फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ये एक स्टेबलाइजिंग वॉल्व है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। ये कुल मिला के आप देख लीजिए, वही सिंपल वाल्व है। यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये अंदर ये पिस्टन लगी रहती है। AMV है क्योंकि ग्रीन है, देखिए AB लिखा हुआ है यहाँ पर, AMV है ये। अब दोस्तों हम EP ब्रेकिंग के बारे में काफ़ी कुछ तो समझ चुके हैं। अगर हम रिकैप करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, EP ब्रेकिंग के अंदर कुल मिला के आपने एक वॉल्व से प्रेशर को पहले अलाउ किया, दैट इज़ AMV, फिर उसका प्रेशर आपने लिमिट किया 3.8 तक। उसके बाद दोस्तों उसके प्रेशर को आपने 4 kg करने के बाद चेक वॉल्व, यानी जो एक NRV है, उसके थ्रू PLV के थ्रू भेजा। PLV में वो प्रेशर और फर्दर 1.2 और 1.6 पर रिड्यूस हो गया, उसको आपने सीधा ब्रेक सिलेंडर में भेज दिया। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल वाल्व का अरेंजमेंट था। इसके अंदर हमने एक AMV वाला कंसेप्ट समझा कि आपको जब एग्जॉस्ट करनी है तो उसी लाइन पर आपने एक और मैग्नेटिक वॉल्व लगा दिया है, जिसको हम होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व कहते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के हम ये समझ चुके हैं, ये लाइन के अंदर कहीं भी अब तक हमने BP प्रेशर का जिक्र नहीं किया। ये जो लाइन में यूज़ हो रहा था प्रेशर, दैट इज़ नोन एज MR, मेन रिजर्वायर, या FP का कोई कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। EP के अंदर FP का कोई कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पर MR होता है, मेन रिजर्वायर, जो कि कंप्रेसर से सीधा एक एक्सिलरी MR के टैंक्स होते हैं, जो कि कांस्टेंट सप्लाई करें। टैंक्स का यूज़ यही होता है कि स्टोरेज टैंक्स होते हैं, कांस्टेंट सप्लाई करें, इसलिए MR का एक टैंक होता है। और MR आपको सीधा एक लाइन में मिलता है, ये वाइट कलर की लाइन रहती है। तो आप इसमें कहीं भी BP का कोई यूज़ नहीं कर रहे, BP कहीं एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, इसलिए EP में देर इज़ नो एग्जॉस्ट ऑफ BP। दोस्तों EP के दौरान कोई भी BP में ड्रॉप नहीं होता है, ये आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए। EP ब्रेकिंग के दौरान, प्योर EP ब्रेकिंग के दौरान, देर इज़ नो रिडक्शन इन BP प्रेशर। यहाँ पर खाली यूज़ होता है MR का प्रेशर, और इस MR के प्रेशर का हमने डायग्राम में देख लिया है। और हमने साथ साथ ये भी समझा कि AMV HMV दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल्व होते हैं, और इस वॉल्व के अंदर HMV की क्षमता हमेशा ज़्यादा वर्क करने की होती है, और ये ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। इसलिए मोर मेंटेनेंस एंड मोर अटेंशन इज़ टू बी गिवन टू HMV, दैट इज़ होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व। और ये मैंने कुछ आपको फोटोज़ दिखा दी, ये कैसे वॉल्व होते हैं, एस्कॉर्ट और नॉर के सिस्टम होते हैं। दोस्तों अब हम बात करने की कोशिश करेंगे सीधा इसके अंदर एक नए फीचर की, जिसे बोलते हैं हम ऑटो ब्रेकिंग। हम ये समझ चुके हैं दोस्तों कि EP ब्रेकिंग के अंदर EP इज़ एन इलेक्ट्रिकल ब्रेक, पर लेकिन जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर होगा हमारा ऑटो ब्रेक। ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो ब्रेकिंग का मतलब हो गया जहाँ पर हम हमारा जो प्रिय BP है उसको यूज़ करेंगे। ये सिस्टम कुल मिला के सिंपली BP प्रेशर पर काम करता है, और जैसे कि बाकी गाड़ियों में होता है, इस गाड़ी में भी जब BP ड्रॉप होगा तो गाड़ी के अंदर ब्रेक लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इसके अंदर एक चीज़ समझनी होगी, इसके अंदर कोई DV का कंसेप्ट नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर एक नया वाल्व हम कहते हैं, उसे बोलते हैं TV, इसे बोलते हैं हम ट्रिपल वाल्व, इसे बोलते हैं हम ट्रिपल वाल्व। तो दोस्तों हम ये आपको जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिपल वॉल्व इसके अंदर होता है, और जैसे ये नाम बता रहा है, इसके अंदर एक वॉल्व है जिसमें तीन पोर्ट या तीन चीज़ों का यूज़ होने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों अब तक हमने देखा है कि ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर गया उसको आपने एग्जॉस्ट किया HMV के थ्रू, यहाँ तक कोई डाउट हमें नहीं है। अब ये सिलेंडर जो है वो ये नहीं जानता ये हवा किसके कारण आई है,
क्योंकि ब्रेक सिलेंडर में तो ब्रेक लगना चाहिए। अब ब्रेक लगाने के लिए आपकी किस रीज़न के कारण उसमें हवा आई है उससे का कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के हम ये समझें कि अगर ब्रेक सिलेंडर को ये पता ही नहीं चल रहा है कि हवा किससे आ रही है, तो यानी ऑटो ब्रेक और ईपी ब्रेक के अंदर ब्रेक सिलेंडर में जो हवा जा रही है उसको जो एग्जॉस्ट होना है वो तरीका सिर्फ एक ही होना चाहिए, या उसके अंदर जो हवा आ रही है वो एक ही तरीके से आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हमारे ईपी ब्रेकिंग में हमने ब्रेक सिलेंडर में हवा भेज दी और वो जब निकल रही है तो वो एचएमवी के थ्रू निकल रही है, तो जब ईपी कार्यरत नहीं होगा तो उसके अंदर जो हवा निकलनी चाहिए या जो एग्जॉस्ट होनी चाहिए वो सेम एचएमवी के थ्रू ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई सेपरेट तरीके से हवा निकाली नहीं जा सकती। तो कुल मिला के अब आपको मैं एक आप सब इस चीज़ को समझें, इसके ज़्यादा हम इंटीग्रिटी में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसमें और अंदर होता कैसा है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ होने का चांस रहेगा। एक एक ब्लैक बॉक्स समझ लीजिए, एक टीवी नाम का एक ब्लैक बॉक्स है। ब्रेक सिलेंडर जो होता है, ब्रेक सिलेंडर बीसी, इसका कमांड इसके अंदर जाता है और इसके थ्रू यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट से जस्ट पहले आपका एक एचएमवी लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर क्योंकि एग्जॉस्ट निकाला है तो इसके अंदर एक, क्योंकि ये ट्रिपल वॉल है और ये हमें ईपी ब्रेकिंग, ये नॉर्मल ब्रेकिंग में काम करना है। ट्रिपल वॉल रिमेंबर दोस्तों कि टीवी हैज़ नथिंग टू डू विद ईपी ब्रेकिंग, ईपी में ट्रिपल वॉल का कोई रोल नहीं होगा। ये सिर्फ पिक्चर में कब आएगा, जब आप गाड़ी में ऑटो ब्रेक करेंगे तो ऑटो के दौरान ट्रिपल वॉल के अंदर हम बीपी ड्रॉप करते हैं जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो हमारा इसके अंदर एक बीपी का प्रेशर भी इसमें आता है। अब बीपी एक सिंपल लाइन है, वो किसी एक सिलेंडर को 400 नहीं कर सकती, जैसा हम जानते हैं बीपी इज़ अ सिंपल लाइन। उसके अंदर एक लाइन फिल होगा, लाइन फिल से आप पूरा सिलेंडर तो नहीं चार्ज कर पाएंगे, तो उसके लिए चार्जिंग के लिए आपको एक रिजर्वायर चाहिए। तो वो रिजर्वायर जैसा कि हम जानते हैं हमारे बाकी सिस्टम में भी होता है, दैट इज़ नोन एज AR, ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ये है AR, ऑक्सिलरी रिजर्वायर। तो कुल मिला के टीवी के अंदर हम देख रहे हैं ये चार लाइनें आ रही हैं, कुल मिला के चार, इसके अंदर एक बीपी प्रेशर आ रहा है, AR का प्रेशर भी है, एग्जॉस्ट में हवा जा सकती है और BC में हवा जाती है आती है। तो 200 BC में हवा जो जा रही है वो जब हमारे नॉर्मल EP ब्रेकिंग था तो भी एक फीडबैक हमने इसमें लिया था, और सिंपल वो फीडबैक क्या कर रहा था, इसमें से आप ये समझ लीजिए इसके अंदर से इंटरनली ये सिस्टम ऐसा है कि सीधा हवा इसमें जाती थी। यहाँ पर हमने जो बोला था AMV, फिर PRV, फिर सेफ्टी वॉल, फिर एडिशनल प्रेशर लिमिटिंग वॉल, यहाँ से सारी हवा जाती थी BC में, और उसका जो यहाँ पर सिस्टम में एग्जॉस्ट होता था वो ऐसा रहता था कि वो इसके थ्रू एग्जॉस्ट होता था, ये वाल यहाँ से कट ऑफ हो जाता था। तो अब जब EP में हम ये देखेंगे, जब EP में आपका ब्रेकिंग में काम नहीं कर रहा है, EP ब्रेकिंग आपका काम नहीं कर रहा, तो आप कोशिश करना चाह रहे हैं कि EP में आपका ऑटो ब्रेक काम करे। तो ऑटो ब्रेकिंग के लिए आप क्या करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑटो ब्रेकिंग में इन चीज़ों का क्या रोल है। तो दोस्तों इतना तो हम समझ गए कि अब EP काम नहीं कर रहा। तो जब मेरा EP काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो मैंने EP का सिस्टम यहाँ से हटाया है, ठीक है, जब EP आपका काम नहीं कर रहा है। अब जब EP काम नहीं कर रहा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम EP के अलावा अब हम ऑटो ब्रेकिंग पर फिर से आ जाते हैं। अब ऑटो ब्रेकिंग में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर ट्रिपल वॉल का यूज़ होता है। अब ट्रिपल वॉल करता क्या, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे सभी वॉल्व में रहता है, ट्रिपल वॉल का सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। इस ट्रिपल वॉल के सिस्टम के अंदर एक वॉल्व है जो कि तीन प्रेशर्स को अपने थ्रू बैलेंस कर रहा है, जिसमें हम बोलते हैं BP है, AR है और BC है। अब ये क्या करते हैं आपस में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों इसमें मैं चाहता हूँ आप लिख लें, वो ये है कि AR इज चार्ज बाई BP। दोस्तों आप इसको लिख लीजिए, AR इज चार्ज बाई BP, ना ही MR ना ही FP, AR इज चार्ज बाई BP। दोस्तों हमारा जो नॉर्मल सिस्टम होता है एयर ब्रेक का, उसके अंदर MR इस चार्ज, जो आपका FP है वो AR आपका चार्ज करता है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ आपका जो AR है वो चार्ज किससे होगा दोस्तों, ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज बाई BP, ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज बाई BP। आप इसको दोबारा लिख लीजिए कि AR इज चार्ज्ड बाई BP, ओके। आप देखिए दोस्तों क्या होता है, आपका एक ट्रिपल वॉल के अंदर बेसिकली कुछ हो, एक अंदर पिस्टन का अरेंजमेंट है दोस्तों, इस टाइप की पिस्टन का अरेंजमेंट है जिसमें एक साइड में AR होता है, ठीक है, एक साइड में आपका BP प्रेशर लग रहा होता है। जैसी BP प्रेशर आपका कम होता है, ड्रॉप होता है, तो ये पिस्टन इसको यहाँ की तरफ मूवमेंट कराता है।
जैसे ये मूवमेंट कराता है, क्योंकि ए आर इज चार्ज बाई बी पी, यानी आपका अगर बी पी शुरू में 5 था तो ए आर क्या होगा आपका 5, तो ये क्या करेगा इसको धकेल देगा, क्योंकि ये 5 से जैसे आपने ड्रॉप किया तो ये ए आर को यहाँ धकेल देगा, और ये जैसे धकेल देता है तो आपका कनेक्शन बैठ जाएगा एंड ए आर इज कनेक्टेड टू बी सी, जो किसी भी गाड़ी में होता है। वेन बी पी इज लोअर देन 5 kg, ए आर इज कनेक्टेड टू बी सी। ये अपने नॉर्मल गाड़ी में भी होता है दोस्तों। अब होगा क्या, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, उस केस में ए आर वॉज चार्ज बाई एफ पी, पर यहाँ ए आर किससे चार्ज हुआ है आपका बी पी से। अब देखिए जब ए आर बी सी में जाएगा तो ए आर का अपना प्रेशर जो कि पहले 5 kg पे था, अब वो थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने बी सी में हवा दे दी, तो ए आर का प्रेशर कुछ 4.8 4.7 पर आ जाएगा, वो अपने आप में भी रिड्यूस हो जाएगा। अब ये देखिए जब यहाँ प्रेशर वही 4.7 या 4.8 आ गया, 4.7 या 4.8 आ गया, तो अब ये पिस्टन का इम्बैलेंस कब बैलेंस होगा, जब बी पी आपका ए आर के बराबर होगा। बी पी आपका जब ए आर के बराबर होगा तभी ये पिस्टन बैलेंस हो पाएगा। ये जो पिस्टन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पिस्टन का बैलेंस होगा जब ए आर इज बराबर टू बी पी हो जाएगा, क्योंकि ए आर का सेपरेट चार्जिंग नहीं है, बी पी ही ए आर को चार्ज कर रहा है। तो पहले बी पी ड्रॉप हुआ, ए आर का प्रेशर आपका बी सी में चला गया, जो कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण, तो ए आर खुद कम हो गया है। अब वो रिलीज कब होगा, ब्रेक रिलीज कब होगा, रिलीज विल ओनली हैपन व्हेन बी पी इज इक्वल टू ए आर। ए आर लॉक हो गया है 4.8 4.7 तक आके, क्योंकि उसने तो बी सी को चार्ज कर दिया। अब बी पी जैसे आपने मान लीजिए ड्रॉप कर दिया, 3.7 तक चले गए थे आप, अब वो 3.7 से चार्ज होता होता जब 4.7 तक आएगा तब वो ए आर के बराबर होगा, और तब ये इम्बैलेंस फ्री होके ये फिर से पिस्टन यहाँ आ जाएगी एंड यहाँ से कट होता है, तब आपका बी सी कट होगा। जब ये बी सी कट होगा देन बी सी इज कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट, देन बी पी इज कनेक्ट बी सी इज कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट। और ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर भी एक एच एम वी है, पर नॉर्मली ओपन वॉल था ये, हमने जैसे बोला था नॉर्मली ओपन है तो हमेशा ओपन है, एच एम वी इज़ अ नॉर्मली ओपन वॉल, तो चाहे ई पी आपका फंक्शनल नहीं है तो नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ पर इसका रहना ना रहना हमें दिखेगा नहीं, तो ये सीधी हवा एग्जॉस्ट में चली जाएगी। तो कुल मिला के इन रिलीज, इन रिलीज कंडीशन जो कि हम यहाँ बात कर रहे थे रिलीज में, व्हेन दिस हैपन्स व्हेन बी पी इज इक्वल टू ए आर, बी सी इज कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट। क्लियर दोस्तों, जब आपको ब्रेक लगाना था व्हेन बी पी वॉज रिड्यूज लेस देन 5 kg, ए आर वॉज कनेक्टेड टू बी सी, और ए आर का प्रेशर खुद अपने आप में कम हो गया था, ए आर इज कनेक्टेड टू बी सी एंड ए आर का खुद का प्रेशर भी कम हो गया था। अब उसको जब उस प्रेशर के बराबर बी पी आएगा तब गाड़ी रिलीज हो जाएगी एंड बी सी इज कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट। अब क्या करेगा, बी पी साइमल्टेनियसली चार्ज भी होगा, बी पी चार्ज भी होगा और वो ए आर को चार्ज भी करेगा, खुद भी चार्ज होगा और ए आर को भी चार्ज करेगा, समझ रहे हैं, खुद भी चार्ज होगा और ए आर को भी चार्ज करेगा, क्योंकि ए आर इज चार्ज बाई बी पी, तो ए आर इज चार्ज बाई बी पी, तो बी पी जैसे ऐसे बढ़ाएंगे तो वो खुद भी चार्ज होगा और आपके ए आर को भी चार्ज करेगा। तो एग्जॉस्ट जो ऑटो ब्रेकिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो दोस्तों यही है कि ऑटो ब्रेकिंग के अंदर हमेशा, ऑटो ब्रेकिंग के अंदर हमेशा when बी पी इज लेस देन 5 kg आपका ए आर इज कनेक्टेड टू बी सी, और बी पी इज ओनली चार्जिंग ए आर। सो रिलीज के दौरान, रिलीज जब करना है हमें, रिलीज करने के लिए बी पी वैन इक्वल्स टू ए आर तो रिलीज हो जाएगा और वो साइमल्टेनियसली खुद भी चार्ज होगा और अपने आप से ए आर को चार्ज करेगा। बी पी चार्ज होगा लोको से या डी पी सी से, मतलब ड्राइविंग पावर कार से, या डी एम सी ड्राइविंग मोटर कार, जो भी जिस पॉइंट में हमने आई सी एस की ऊपर करी हुई है वहाँ से ये बी पी चार्ज हो रहा है, और बी पी को वहाँ पर चार्ज कर रहा है एम आर या एफ पी, एफ पी और एम आर बोलते हैं ना हम, वो बी पी को चार्ज कर रहा था वहाँ पर आई सी एस की से, बी पी की लाइन प्रेशर बढ़ेगा और फिर वो ए आर को चार्ज करेगा। तो ये देखिए अपने आप में एक सिंगल पाइप सिस्टम नहीं लग रहा दोस्तों आपको जो वैगन्स में होता है। तो कुल मिला के हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ई पी इन ऑटो ब्रेकिंग इज नथिंग बट अ सिंगल पाइप अरेंजमेंट। तो दोस्तों जैसे कि सिंगल पाइप अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर आपके जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग
या फिर रिलीज टाइम है वो आपका बढ़ जाता है। दोस्तों ईपी सिस्टम नॉर्मल सिस्टम से ऑटो कंडीशन में सिंगल पाइप हो जाएगा और उसका चार्जिंग और डिस्चार्ज टाइम उसमें बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपको जो समझनी है। अब इसमें दोबारा मैं कंक्लूड करता हूँ कि इस पॉइंट पे यहाँ पर AR रहता है, इस पॉइंट पे BC रहता है, यहाँ पर BP रहता है। जैसे आप BP कम करते हैं तो AR पिस्टन को पुश कर देता है इस तरफ। जब ये पुश होता है तो आपका AR इज़ कनेक्टेड टू BC, गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। और जब आपका BP फिर से रीगेन होता है तो ये फिर से पिस्टन को इस साइड पुश करता है। और फिर जैसे ये बैलेंस आउट होता है तो आपका AR और BC कट जाएंगे और BC उस पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है एग्जॉस्ट में, जो कि हमेशा नॉर्मली रहता था। और यहाँ पर AR फिर चार्ज होना चालू हो जाएगा BP के कारण। तो दोस्तों हमें ये समझ में आ गया कि AR से ही BP चार्ज होता है। तो जब तक BP का प्रेशर AR के बराबर नहीं होगा तो गाड़ी चार्ज आपकी रिलीज़ नहीं होगी। इसलिए जब लॉन्ग बहुत लंबी गाड़ी होती है तो BP को ना सिर्फ खुद को चार्ज करना है अपितु AR को भी चार्ज करना है। तो AR को चार्ज करने में टाइम ज़्यादा लगता है, सिलेंडर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, BP अपने आप को भी चार्ज कर रहा होता है, वो एक ही पॉइंट से चार्ज हो रहा होता है। इसलिए दोस्तों ये सिंगल पाइप एक्ट होने लगता है और गाड़ी का प्रेशर बढ़ने लगता है। बढ़ने के दौरान गाड़ी में टाइमिंग ज़्यादा लेती है, इसलिए ऑटो ब्रेकिंग के दौरान EP सिस्टम विल टेक मोर टाइम एंड दैट इज़ बाउंड टू हैपन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। HMV AMV क्या होते हैं, एक ये सिंपली होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व हैं जिनको हमने देखा था यूज़ क्या था इनका। इनका यूज़ बहुत ही सिंपल था, ये गाड़ी के अंदर प्रेशर को आने देंगे और ब्रेक सिलेंडर आने देते हैं और ब्रेक सिलेंडर से वो हवा हमारी रिलीज कर देते हैं। हमने ये भी समझा कि HMV और AMV के अंदर HMV जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। ये नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन वाल्व है, AMV नॉर्मली क्लोज वाल्व, HMV हमेशा खुला रहेगा चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो ईपी ब्रेक हो या ना हो, HMV के थ्रू ही हवा निकलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पा जाते हैं। मान लीजिए कुछ चीज़ें माल फंक्शन कर जाती हैं, ठीक है, हो सकता है आपका, अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने, अब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ चीज़ें माल फंक्शन करता है ईपी के दौरान। मान लीजिए ईपी के दौरान अगर AMV मेरा ख़राब हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए AMV ख़राब हो गया, AMV मान लीजिए क्लोज कंडीशन में ख़राब हो गया, तो क्लोज कंडीशन में ख़राब होने में क्या होगा, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा क्योंकि आप ईपी के दौरान, मैं ईपी की बात कर रहा हूँ, ईपी में ब्रेक नहीं लगेगा क्योंकि आप कि जब क्लोज है तो यहाँ से हवा कभी जाएगी नहीं, तो आप गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, क्लियर। मान लीजिए ओपन कंडीशन में ख़राब हो गया, ओपन कंडीशन में ख़राब हो गया मतलब आपने ब्रेकिंग के दौरान तो हवा गई, पर जब आप ब्रेक रिलीज़ कर रहे हैं तो भी ये ओपन रहेगा, जब ओपन रहेगा तो रिलीज़ के दौरान भी इसमें हवा जाती रहेगी, तो कुल मिला के ब्रेक नॉट रिलीज, ये BNR हो जाएगा। तो BNR हो रहा है EP में, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला आपको समझ लेना है कि AMV आपका फॉल्टी है, क्योंकि AMV उस प्रेशर को काट ही नहीं रहा। जब प्रेशर कटेगा ही नहीं तो हमेशा हवा इसमें जाती रहेगी दोस्तों, तो जब हवा इसमें जाती रहेगी तो आपका ये प्रेशर कभी यहाँ से निकलेगा नहीं, तो आपका हमेशा ब्रेक लगा रहेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों अगर HMV आपका फॉल्टी हो जाए। मैंने जैसे ही बोला था HMV यहाँ पर होता है, एक HMV और यहाँ से एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पर आपका होल्डिंग मैग्नेटिक वॉल्व है। तो जब HMV आपका यहाँ पर है और यहाँ पर एग्जॉस्ट है, तो अब अगर मान लीजिए HMV क्लोज कंडीशन में, क्योंकि नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली ओपन है, चलो मान लीजिए ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन में ख़राब हो गया ईपी के दौरान, तो ओपन में ख़राब होने का क्या मतलब है, आपने ईपी जब लगाया तो लगाते ही हवा सारी आपकी एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है, आपने जब ईपी लगाया तो लगाते ही सारी हवा एग्जॉस्ट हो गई, तो उसके अंदर ब्रेक नॉट अप्लाई हो जाएगा, तो आपकी इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा क्योंकि आपकी हवा आप लगा रहे हैं और एग्जॉस्ट के थ्रू HMV के थ्रू सारी हवा निकल जाएगी। मान लीजिए क्लोज कंडीशन में बंद हो गया, ये सबसे खतरनाक है, मान लीजिए क्लोज कंडीशन में ख़राब हो गया तो क्या होगा, जब आप अप्लाई करना चाहेंगे अप्लाई होगा, लेकिन जब आप रिलीज़ करना चाहेंगे तो ये वाल यहाँ से रिलीज़ नहीं होने देगा, ये लॉक कर देगा BC को, BC की हवा कभी रिलीज़ नहीं हो पाएगी। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो EP हो या ऑटो हो, EP हो या ऑटो हो, हवा कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए किसी भी सूरत में अगर HMV, मैंने जैसे ही बोला था ये यूज़ भी ज़्यादा होने वाला है दोस्तों, ये दो टाइम यूज़ हो रहा था, ये ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, और ये ख़राब होगा तो चाहे ऑटो हो या EP हो, आपका ब्रेक कभी रिलीज़ नहीं हो पाएगा। फिर आपको ब्रेक सिलेंडर की हवा को आइसोलेट करना पड़ेगा और उसके पोर्ट से आप उम्मीद करें कि उसका जो वेंट है वहाँ से हवा निकले ब्रेक सिलेंडर की, उसके बाद आप ब्रेक सिलेंडर को रिलीज़ कर पाएंगे। आपको सिर्फ बोगी आइसोलेट करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और आपके अगर HMV ख़राब हो गया
तो आप ये समझ लीजिए पूरे गाड़ी का एक ईपी बॉक्स से दोनों गाड़ी में आपके ब्रेक लग रहे हैं बोगी में, तो दोनों बोगियां आपकी खराब मतलब बंद हो जाएंगी, ब्रेक लॉक हो जाएंगे। तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर एचएमवी आपका क्लोज कंडीशन में खराब हो रहा है तो आपकी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगी और हैवी ब्रेक बाइंडिंग रहेगी, इसलिए एचएमवी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है खराब होने की। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए अगर ओपन कंडीशन में खराब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक नहीं लगेंगे। क्लोज कंडीशन में खराब हो रहा है तो आपके रिलीज के टाइम में आपकी गाड़ी रिलीज नहीं होगी। ऐसा ही एप्लीकेशन मैग्नेटिक वॉल अगर आपका क्लोज कंडीशन में खराब हुआ है तो उसके अंदर ब्रेक नहीं लगेंगे क्योंकि हवा जा ही नहीं रही, और ओपन कंडीशन में अगर खराब हो गया तो उसके अंदर गाड़ी ब्रेक बाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका हमेशा ओपन कंडीशन में आप जब ब्रेक रिलीज भी करना चाहेंगे तो भी हवा आपकी यहाँ पर जाती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ईपी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो बेसिक है ये आपको समझ में आई होगी। आपके जो भी सजेशंस हैं हमें आप बताइए, हम कोशिश करेंगे और आपको ईपी के बारे में बताएं, और ईपी सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा और जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा अगले सेगमेंट में। तो इसके अंदर हमने बेसिकली आपको एचएमवी एएमवी के बारे में बताने की कोशिश करी, ट्रिपल वॉल के बारे में बताने की कोशिश करी, ये एक न्यूमेटिक डायग्राम है इसको हम अगले सिस्टम में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आपको ये समझ मेरा ये उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। बेसिक सिस्टम मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ईपी और ऑटो में फ़र्क क्या है। ऑटो सिस्टम के अंदर एचएमवी एएमवी का कोई रोल नहीं है, लेकिन एचएमवी अगर ख़राब होता है तो भी ऑटो में ब्रेकिंग लगी रहेगी। ऑटो रिलीज का सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है, आप मान के चलिए कि बीपी इज इक्वल टू एआर,